नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आइए, हम कर रहे हैं अभी राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें अपने तीन चार लेक्चर हो गए हैं। आज का जो लेक्चर है, हम भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं राजस्थान के, और उसमें से जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी दूसरा भौतिक प्रदेश है, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में कितने जिलों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसको तीन मोस्टली भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी, मध्य अरावली और उत्तरी पूर्वी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी ये मध्य हो गया और ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, ये तीन भागों में मोस्ट रूप से अरावली को विभाजित करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कितने जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें दो नंबर ऑप्शन जो है 1313, ठीक है, ये एक जो आपको दिख रहा है ये 131 नहीं है, ये आगे जो इसमें प्रिंटिंग में जो लाइन के आगे जो विराम चिन्ह होता है ये लगे हुए हैं, इनको आप हटा देना। 12, 13, 14, 15 का ऑप्शन डाला है मैंने, और जो 13 वाला ऑप्शन है वो इसमें ठीक हो जाएगा। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात हो रही है ये, तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली को तीन भागों में बांटकर नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश की कंप्लीट की बात कर रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात हो रही है। मध्यवर्ती यानी एकदम राजस्थान को बीचों बीच दो भागों में बांट रहा है, इसलिए इसको मध्यवर्ती कहा गया है। तो ध्यान रखना, यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश भी आ सकता है या फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश भी आ सकता है। तो 13 जिलों को शामिल किया गया है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश भूभाग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ नाम दिया गया है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का प्रदेश भूभाग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर से बात हो रही है कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें कौन सा जिला इन चारों में से नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, तो नहीं आ रहा ध्यान देना, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू और बूंदी। ठीक है, तो ध्यान देना, भीलवाड़ा आ रहा है, सीकर आ रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हम जब शुष्क प्रदेश पढ़ रहे थे, अति शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है, मरुस्थलीय भाग को हमने दो भागों में बांटा था, अति शुष्क, दूसरा अर्ध शुष्क। तो अति शुष्क ये जो अर्ध शुष्क था, वहां सीकर भी आ रहा था और झुंझुनू भी आ रहा था। ठीक है, वहां शेखावाटी प्रदेश में ये आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सीकर का भी कुछ भाग जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, झुंझुनू में भी अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तो ये तीनों जो ऊपर वाले हैं यानी भीलवाड़ा में है ही, तो ये तीनों जो हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं, जबकि बूंदी जो है हाड़ौती प्रदेश का जिला है, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो अपना ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला में कौन सी चट्टाने प्रमुखता से पाई जाती है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने काफी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, वहां से क्वेश्चन ये मैंने खुद ने बनाए हैं। बहुत अच्छे से पढ़कर जाना आप, और मैं वादा करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप देख लोगे अच्छे से, यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें जो चट्टाने हैं उनके नाम है क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट या फिर उपरोक्त। ठीक है, तो अरावली पर्वत माला में जो चट्टाने पाई जाती है, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा, यानी ये चारों की चारों चट्टाने जो हैं वो मोस्टली पाई जाती है। कौन कौन सी ध्यान रखना, क्वार्ट्जाइट भी आता है, ग्रेनाइट भी है, नीस भी है और सिस्ट भी है। आपको ऑप्शन में अगर तीन अन्य है और चार इनमें से हैं तो वो ठीक करना है। ये चारों की चारों चट्टाने अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्थ,
राज्य के संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? ठीक है, संपूर्ण भूभाग जो है राज्य राज्य का, उसमें से जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, मैंने अरावली पर्वतीय प्रदेश को बार बार नहीं डाला शब्द को, अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं हम यहाँ, तो उसकी बात हो रही है कि संपूर्ण राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग रखता है। तो ध्यान रखना 9%, यहाँ 9 और 10 में कंफ्यूज मत हो जाना, 9 पॉइंट कुछ जो प्रतिशत है वो क्षेत्रफल है, ठीक है। जबकि यहाँ अगर जनसंख्या की बात करें हम, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 10% आ जाएगी, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10%, और क्षेत्रफल जो है 9% है, या फिर पॉइंट में पूछे तो 9 पॉइंट कुछ% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करता है? आ गया वो क्वेश्चन, तो 12-40% नहीं है यहाँ, इसमें 10% जो है पहला ऑप्शन वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ध्यान देना, राज्य की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है आपको, और सबसे पहला ऑप्शन जो है वो झालावाड़ ही मिलेगा आपको। झालावाड़ मत करना, क्योंकि झालावाड़ तब आता जब क्वेश्चन में पूछा जाता कि राज्य की सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्थान पूछा है आपको, तो ध्यान देना झालावाड़ नहीं होगा। माउंट आबू जो है वहां राज्य में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान है, कौन? माउंट आबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? जलवायु पूछी है यहाँ, तो क्या आर्द्र है, उपआर्द्र है, या फिर अति आर्द्र है, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको डालना है, फोर्थ जो है वो है कोई नहीं। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो जलवायु है वो उपाद्र है, ठीक है, ध्यान देना ये सेकंड जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से भूकंपों से सबसे कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें अभी क्वेश्चन आया है, ये शायद 2021 में किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भरतपुर अलवर, बाड़मेर जैसलमेर, कोटा बारा, और गंगानगर हनुमानगढ़। राजस्थान के जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिले हैं उनमें भूकंप सबसे कम आते हैं। अगला, निम्नलिखित खतरों, ये कथन है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही उत्तर का चयन करो। चार आपके पास, चार या पांच आपके पास सेंटेंस हैं, ध्यान देना। बोराट का खटार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट। उत्पाद स्थलाकृति, ये उत्पात तय है, ठीक है, इसमें यहाँ तय है। उत्पात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये भी ठीक है। रघुनाथ, ये उत्खात है, ठीक है, ये उत्खात, ये वाला शब्द है। उत्खात स्थलाकृति जो है वो चंबल बेसिन में मिलती है, ये बात भी सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी ठीक है, ठीक है। उत्तरी अरावली की अगर बात करें हम, तो जो रघुनाथगढ़ की चोटी है वो सबसे ऊंची है। अब लास्ट है कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है वो इसमें ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ध्यान देना, कमलनाथ सिरोही, जरगा उदयपुर, ठीक है, हम जानते हैं कि जरगा उदयपुर में ही है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, लेकिन कमलनाथ जो है चोटी वो सिरोही में नहीं है, तो हमें नहीं पूछा गया है ऑप्शन में, तो जो पहला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, क्या मुकुट
पहाड़ी में आते हैं, ठीक है। हाड़ोती पठार कुनाली कहते हैं, शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, आपको मैच कराने हैं इसमें से। मेवाड़ी पर्वतीय प्रदेश, मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश, हाड़ोती पठार, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, ठीक है। तो यहाँ अब आगे जो है, चारों के चारों देखो, एक तो मुकुंद्रा पहाड़ी है, दूसरा नाली है, तीसरा गिरवा है और चौथा है अंत है प्रवाहित अपवाह। तो हम सब जानते हैं कि शेखावाटी प्रदेश में अंत है प्रवाहित होती है नदियां, ठीक है। घग्गर का जो मैदान है उसको नाली कहा जाता है, ठीक है। अब बचे कौन, हाड़ोती का पठार। तो हाड़ोती का पठार जो है वो मुकुंद्रा पहाड़ियां है, जबकि मेवाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको नाली भी, सॉरी, ये गिरवा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको गिरवा कहा जाता है। मेवाड़ की पर्वतीय, जो पर्वतीय क्षेत्र है मेवाड़ का, उसको गिरवा भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इनको चारों को हमें मैच कराना है। आगे का क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरु शिखर, हमें इसका आंसर यहाँ लिख के देना है कि कौन सा पहले आएगा। या सबसे पहले तो आप देखिए, बढ़ते क्रम में पूछा है या घटते क्रम में। सबसे कम वाली पहले आएगी, क्योंकि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले गुरु शिखर जो बढ़ता क्रम है, यानी लास्ट आ जाएगा गुरु शिखर, उससे पहले, यानी गुरु शिखर से जस्ट बाद में कौन है, शेर है, तो वो 2 नंबर आ जाएगा। और दिलवाड़ा और जरगा में से, ये दिलवाड़ा जो है वो 3rd नंबर पर, और 4th नंबर पर फिर कौन बचा, जरगा, ठीक है। ये हो गए चारों की चारों चोटियों के क्रम। अगला क्वेश्चन, 56 बेसिन किस जिले में है, किन जिलों में स्थित है 56 का बेसिन, ठीक है। 56 का बेसिन पूछा है आपको, तो 56 बेसिन के लिए जिले देखिए आप ऑप्शन में। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच का, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का, बांसवाड़ा या फिर कुशलगढ़ के बीच का, या तो फिर चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच का। तो ध्यान देना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का, ठीक है। ये अपना राजस्थान हुआ, और ये जो बांसवाड़ा है, और यहाँ जो प्रतापगढ़ है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये कौन है, यहाँ पर है 56 बेसिन, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो बीच का भाग है वहां पर कौन है, 56 बेसिक। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो स्थित पठार है उसको क्या कहते हैं, मैसा, बोराट, उड़िया और 56। तो बोराट कहलाता है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार। ध्यान देना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य भोराट पठार। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। सबसे कम जो है उसकी सबसे पहले आ जाएगी, और लास्ट में सबसे अधिक है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 ही ऑप्शन रखे हैं। हम जानते हैं गुरु शिखर जो है वो सबसे बड़ा है, जो कि दोनों में लास्ट है, फिर अचलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ है और फिर तारागढ़ है, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है अपना वो ठीक हो जाएगा, सब तारागढ़, तारागढ़ के बाद में कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर गुरुशिखर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। भाकड़ कहते हैं, भाकड़ जो है एक भू स्थलाकृति, वो है पूर्वी सिरोही में, गेरुआ, गिरुआ है ये, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है, गिरवा, ठीक है, गिरवा उदयपुर बेसिन में, कांठल जो है वो चंबल बेसिन, और 56 की पहाड़ियां जालौर सीवा, ठीक है। तो ये जो 4th ऑप्शन है वो हो जाएगा इसमें, बाकी सब ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं जो है उसको आपको अलग करना है। उड़िया पठार है, शाहाबाद उच्च भूमि, बोराट पठार और लसाड़िया पठार, ये तीनों के तीनों हैं। उड़िया भी है, बोराट है और लसाड़िया, तीनों के तीनों दक्षिणी अरावली प्रदेश में है, जबकि शाहाबाद उच्च भूमि यहाँ अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी अभी आया है पीछे एग्जाम में, जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो इन ऑप्शन में जो सेकेंड ऑप्शन है अलवर, वो इसमें ठीक होगा। अलवर में है जिंदोली सुरंग राजस्थान, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भैंस रोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित का जो पठार है वो कौन सा है? ठीक है, तो वो पठार होगा उपमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अरावली का जो भाग है वो दक्षिणी है। ठीक है, दक्षिण भाग में सिरोही की तरफ यानी माउंट आबू में सबसे अधिक वर्षा होती है, और बाकी जो दक्षिण पार्ट है उसमें भी अन्य जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बजाय अधिक वर्षा होती है। नागफाड़ किस अरावली का भाग है? नागफाड़ की बात पूछी है कि नागफाड़ जो है किस अरावली में विद्यमान है, तो उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली में से जो थर्ड ऑप्शन है अपना वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, मेरवाड़ा की पहाड़ियां भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? तो हमें मेरवाड़ा की पहाड़ियों की लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो अजमेर में है। अजमेर जो है वो मध्य अरावली श्रेणी में आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य को पहचान करना है हमें। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, सही बात है। इसकी कुल लंबाई है जो 820 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत है ये। उसकी कुल किलो जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका अधिकांश जो विस्तार है वो राजस्थान राज्य में ही है, कितना? 550 यानी 80% जो है इसका वो राजस्थान में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि हम सब जानते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 820 किलोमीटर वाला यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो होगा, क्योंकि ये एक गलत तथ्य है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? ठीक है, तो अजमेर, उदयपुर, जयपुर और राजसमंद, पाली। ठीक है, इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है अपना वो ठीक होगा। कामली घाट दर्रा जो है राजसमंद पाली में है। अगला क्वेश्चन, केवड़ा की नाल कहाँ या किस जिले में स्थित है? तो केवड़ा की नाल शायद आप सब जानते हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यानी उदयपुर में स्थित है केवड़ा की नाल। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित हुआ है? ठीक है, द्विविभाजित होती है, कौन सी ऐसी नदी प्रणाली है जो कि अरावली को दो भागों में बांट रहा है? तो देखिएगा, ऑप्शन माही साबरमती, चंबल पार्वती, लूनी बनास या फिर कोई नहीं। हम सब जानते हैं माई साबरमती बिल्कुल दक्षिण में है, चंबल पार्वती जो कि हाड़ोती प्रदेश में बहती है, और लूनी बनास जो है बीचों बीच अरावली को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्वेश्चंस देखे हैं। आज इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे इसका अगला पार्ट लेके। जय हिंद।